वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन कटोरी चाट, यम्मी सी और हेल्दी। और किस तरह से बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमें ग्रीन कटोरी चाट बनानी है तो इसके लिए मैंने पालक और मेथी ली है। इसे अच्छी तरह से धो लिया है, इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो 6-7 पानी से धो के, ये ऐसे भी अभी भी गीली है, तो इसे हम मिक्सी में कर लेते हैं। इस तरह से पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। अभी आगे का हम प्रोसेस करते हैं। अभी 500 ग्राम जितना मैदा लिया है, इसके साथ में 4 टेबलस्पून जितना सूजी डाल रही हूँ, जो बारीक वाली आती है वो। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने सूजी और मैदा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो साथ में हम अजवाइन डालते हैं। अजवाइन को हाथ पे मसल के हम डालेंगे ताकि उसकी खुशबू और टेस्ट बढ़िया सी आए। साथ में मैं तेल डाल रही हूँ और स्वादानुसार नमक। अभी इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मोहन के लिए मैं घी डालती हूँ, 2-3 टेबलस्पून जितना घी डालूंगी, ताकि हमारी कटोरी जो है, हम ग्रीन कटोरी चाट जो बना रहे थे, हमारी जो कटोरी है वो बढ़िया सी आई, इसलिए। अभी इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हमने जो ग्रीन पेस्ट बनाई है वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसका हम अच्छी तरह से डो बनाएंगे। इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया सी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, गजब के लगते हैं। बच्चे लोग भी बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे, बच्चे क्या सब लोग, बड़े छोटे जितने भी हो, सबको बहुत पसंद आएंगी। और कलर भी हमारा बढ़िया सा है तो वो सब बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे। इस तरह से हमारा डो बनके रेडी हो गया है। इस तरह से सॉफ्ट डो मैंने बनाया और इसमें मैंने सूजी डाली है, तो सूजी फूलेगी, तो मैंने इस तरह से बनाया है। तो थोड़ा सा इसे तेल का हाथ लगा देते हैं और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया और इसे इस तरह से ही मैं ढक के रख दूंगी, इस तरह से। और इसमें जो पानी बचा है वो इतना ही सिर्फ बचा है, और मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। जैसे धोई थी, 1 घंटे पहले धोई थी, तो वो जितना पानी था उसी पे मैंने बनाया है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ही एक चम्मच जितना बचा है, तो इसे हम साइड पे रखते हैं। कटोरी चाट के लिए मैं स्टफिंग के लिए मैंने ये छोले लिए हैं, उसे 8 घंटे भिगो के फिर मैंने उसे बॉईल किया है 3 सीटी बजा के। उसमें नमक या कुछ भी नहीं डाला है, और साथ में मैंने 2 आलू भी डाल दिए, उसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। अभी इसे हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी मैंने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है, तो इसमें हम पहले तेल डाल देते हैं। 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। ये हमें बहुत फीकी या स्पाइसी नहीं बनानी है, हमें लाइट बनानी है इसे, तो हम पहले तेल को गर्म होने देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म होने को आया है, तो हम 1/2 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छी तरह से होने देते हैं। जीरा अब हमारा होने को आया है, तो साथ में हम हींग डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। साथ में 2 प्याज मीडियम साइज के वो डाल देते हैं और इसे होने देते हैं। इसे हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। इसके बाद में एक टमाटर डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स कर देते हैं और इसे थोड़ा सा होने देंगे। अब ये कच्चा पक्का हो गया है, तो इसी स्टेप पे हम मसाले डालेंगे। इसमें पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, स्वादानुसार आप नमक डालिए, धना पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी ली है, गरम मसाला,
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें छोले डालेंगे। अभी हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, तो हमने जो छोले बॉईल किए हैं वो वैसे के वैसे डालेंगे हम इस तरह से। और आलू को जब हम ऐसे हिलाएंगे तब आलू को पीस कर देंगे। अभी इस तरह से इसमें मैं आधा कप जितना पानी डाल देती हूँ। इसमें पानी डाल रही हूँ इस तरह से, और इसके चलाते हुए छोटे छोटे पीस कर दूंगी इस तरह से। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। साथ में मैं अभी धनिया भी डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ और इसे होने देते हैं। 5 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे इस तरह से। चाहे तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो, लेकिन मैं चाट बना रही हूँ तो इसलिए मैं लेमन जूस नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सा कर रही हूँ। इस तरह से हमने कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा प्याज ऊपर से मैं कच्चा डाल रही हूँ और साथ में टमाटर भी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया से आएगी इस तरह से। और इसे वापस मैं चला लेती हूँ और इसे होने देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। बढ़िया सा हमें जैसे चाहिए वैसे इस तरह से हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है इस तरह से। जो आलू थे इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, तो अभी हम गैस को ऑफ करते हैं। अभी हम हमारा आटा देख लेते हैं। बढ़िया से इसे हम मसल लेते हैं। हमने सॉफ्ट आटा बनाया है इस तरह से। अभी हमें इसे बेलना है इस तरह से बनाया है। अभी बेलना स्टार्ट करते हैं। अभी एक गोला हम तोड़ लेते हैं इस तरह से। इस तरह से गोला तोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह से राउंड करेंगे इस तरह से। अभी मैं इसे आटा लगा लेती हूँ। आटा में डिप करके हम इसे बेलेंगे, क्योंकि हमने सॉफ्ट डो बनाया है। अभी इसे हम बेल लेते हैं इस तरह से। ये मैंने बड़ा गोला लिया है, आप छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो। इस तरह से मैं बेल लेती हूँ पूरा। इस तरह से मैंने बड़ी रोटी जैसा बेल लिया है। तब इसे फोक से फोल्ड कर देते हैं ताकि ये फूले नहीं। सब जगह होल करना है। बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, जो हम जो इसमें लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। अभी इसे इस तरह से हमने होल कर दिया है, तो इसे हम साइड पे करते हैं। और जो हमने कटोरी ली है इसे ऑयल लगा लेते हैं, और तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हमने होल कर दिया। अभी हम कटोरी लेते हैं, इसे साइड पे करते हैं। ये मैंने इस तरह से कटोरी ली है, इसे पीछे के साइड पे हम तेल लगा लेंगे। इसे हम तेल लगा लेते हैं सब तरह से। आपके पास जो भी कटोरी हो आप उसी हिसाब से बना सकते हो। अभी इस तरह से इसे तेल लगा लिया है। अभी जो रोटी है वो हम साथ ले लेते हैं। अभी इसे हम कवर करते हैं इस तरह से, पूरा कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो वैसे भी निकल जाएगा।
ये एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा निकाल लेना है। मीन्स आपकी रोटी अगर बड़ी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना है वो निकाल देंगे, दूसरे इसमें काम में लाएंगे। अभी ये इस तरह से है तो वापस मैं इसे होल कर देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा लग रहा है हमारा। तो अभी इस तरह से हमने बना दिया है तो इसे इस तरह से रखते हैं और तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसे इस तरह से हम छोड़ देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे होने देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस तरह से ये जैसा होगा वैसे ये छूट जाएगा, इसे होने देते हैं। ऊपर हम इसे तेल डालते जाएंगे, सावधानी पूर्वक करना है। कटोरी हमारी अलग हो रही है तो इसे धीरे से हम निकालेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक निकालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हुई है। अभी इसे दूसरी साइड भी हम होने देते हैं, इसे हम पलटाएंगे। अभी हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह से होने देते हैं। अभी इसे हम पलटा देते हैं धीरे से। कितनी बढ़िया से अंदर से भी बढ़िया से हुई है। अभी इसे कुछ सेकंड इसे इस तरह से पकाते हैं तेल डाल के। अभी दोनों तरफ से बढ़िया से हो गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं। मैं आपको पास से बताती हूँ, उसका एक्स्ट्रा तेल पूरा निकल गया, इस तरह से रेडी हो गई है। अभी हम दूसरी भी डाल देते हैं। चाट बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए ये तो मैंने दो बना दिए हैं, आपको मैंने बता चुकी हूँ। ये जो छोले की सब्जी है वो बनाई है, ये तीन तरह के दो चटनी है, ये खट्टी मीठी, ये ग्रीन चटनी, दही, प्याज, बूंदी, सेव, टमाटर, चुरमुरे, ये सब इस तरह से रख दिया है, अनार, और ये सेव है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला। अभी ये बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम जो मुरमुरे हैं वो डाल देते हैं पहले इस तरह से, वन बाय वन करके हम सब चीज़ें डालेंगे। इसके बाद जो हमने सब्जी बनाई है लाइट वो डालेंगे, इससे भी बढ़िया से टेस्ट आएगी। अभी हम डालते हैं इसमें सूखी बूंदी, जो खारी बोलते हैं इसे, मीठी नहीं होती है। इस तरह से हमने इसे भी डाल दिया है। अभी डालते हैं सेव, बाद में हमने वेफर्स लिए हैं, वेफर्स को भी हम डाल देते हैं इस तरह से, इससे भी बढ़िया से टेस्ट आएगी। चाट में आप जितना भी डालो वो बढ़िया से टेस्ट देता है। इस तरह से मैंने ये भी डाल दिया है, मेरे पास अनारदाना है वो अभी भी डालूंगी और बाद में भी डालूंगी। इस तरह से डाल रही हूँ थोड़े टमाटर, उसके बाद प्याज, इसके बाद हम डाल रहे हैं मीठी चटनी, ये मैं आमचूर के बनाती हूँ, आमले की नहीं है ये,
बहुत ज़बरदस्त स्वाद देती है। इस तरह से हमने मीठी चटनी डाल दी है, अभी डाल रहे हैं ग्रीन चटनी। दोनों तरफ डाल रहे हैं। इसके बाद हम डाल रहे हैं दही, फेटा हुआ दही। थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, टमाटर, अनारदाना, बढ़िया सा टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और चाट मसाला। ऊपर से हम सेव स्प्रिंकल कर दें और जो वेफर्स है इसे हम साइड पे लगा दें। और ग्रीन है सब सब्जी मैंने मिक्स की है, मीन्स ये पौष्टिक है। इस तरह से हेल्दी ग्रीन कटोरी चाट बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस तरह से छोटे बड़े सबको पसंद आती है इस तरह से आप बनाइए, और कैसी लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।